सारी वैल्यू इकट्ठा कर लो। हाँ ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत कम लोगों को पता होती है लेकिन बहुत ज्यादा यूजफुल है। कि सपोज आपको 50 ही कॉलम दे दिया, आपको एक एक करके लगाओगे बिल्कुल आपको जमाना लग जाएगा। तो मेरे को इनफैक्ट मेरा अभी काम वही बढ़ रहा है ना, मैंने अभी कल पीछे ही किया था, हर एक कॉलम का मैंने अलग अलग से किया था। इस तरीके से यूज करना है इसको, ठीक है, ठीक ये थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा आपको। है ठीक है। लेन फंक्शन, सपोज मेरा नाम गगन है, सपोज क्या है ये गगन, ठीक है, सकीना। यहाँ पे मुझे इसके कैरेक्टर्स चाहिए, कितने कैरेक्टर्स हैं, सकीना के अंदर कितने और गगन के अंदर कितने। सिंपल लेन फंक्शन, बहुत ही सिंपल फंक्शन है। लेन इसको रेंज देंगे 5, अच्छा बस, ओके ठीक है, ओके हाँ क्लियर है आपको, हाँ तो लगा ये लगा ऐसे लगा। यूज होता है ना, हाँ यूज होता है। ठीक ये बहुत यूज होता है, और मोस्टली तभी यूज होता है जब है हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलेस बनाते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलेस बनाते हैं ना, जब हम अच्छा स्प्लिट नहीं करेंगे ना, मुझे पता। जब हम स्प्लिट करेंगे हाँ हाँ ये स्प्लिट, तब हम करेंगे इसको यूज, ठीक अच्छा ओके है। ये था हमारा लेन फंक्शन। अब यूज करते हैं मिड फंक्शन। मिड क्या है, हमें स्पेशल कैरेक्टर्स निकाल के देगा बीच में से। मिड से हमें नाम से ही पता लग रहा है कि जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, जो भी हमारा वर्ड है, उसमें से कुछ मिड के कैरेक्टर्स उठा के दे देगा जो हमें चाहिए, ठीक अच्छा है। इसमें से मैं लेफ्ट राइट भी करा दूंगा आपके साथ में, लेफ्ट राइट स्क्वल टू मिड, ठीक है। इसमें से चाहिए मिड, ये रेंज है हमारी। स्टार्टिंग नंबर कौन सा चाहिए, दूसरा, मुझे जी ए, ए के बाद के नंबर चाहिए, ठीक है। दूसरे के बाद मुझे 3 नंबर हो चाहिए इसके, कॉमा 3, ए जी ए, ठीक है। अच्छा मैंने दूसरे से स्टार्ट किया, दूसरा नंबर भी ले लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 3 नंबर उसे कवर कर लिए। ऐसी मुझे सकी नाम से सपोज चाहिए, सिर्फ के आई चाहिए मुझे, ठीक है। तो आप तो तीन लगाओगे तो दो लगाओगे मिड लिया मैंने इसमें मिड। से, ठीक हाँ है। कितने नंबर पे आ रहा है, के एस ए के, तीसरे पे आ रहा है, तीन पे। तीसरा। और उसके बाद मुझे दो चाहिए, के भी आए, ए भी, आई भी आए, तो दो, ये हमारा आ गया के आई, ठीक है। अब करते हैं लेफ्ट, मुझे लेफ्ट में से जो जितने भी नंबर चाहिए लेफ्ट में से निकाल सकते हैं, लेफ्ट। इसमें से मुझे कितने चाहिए, हाँ सपोज मुझे दो कैरेक्टर चाहिए, ठीक है। ये चाहिए निकाल के दे दिया उसने, यहाँ से ऐसे कर दिया, लेफ्ट मतलब इस साइड से, और राइट इस राइट तरफ साइड से से। उल्टा कर देगा। इसमें से भी मुझे दो चाहिए, नीचे ड्रॉप कर दो, ए एन दे दिया, एन ए दे दिया, क्लियर हुआ आपको। हाँ ये है, मैं डेट में यूज करती हूँ ये लेफ्ट राइट, डेट और ईयर जब डेट और टाइम की स्टैम्प साथ में आती है तो हाँ मुझे हाँ सिर्फ ईयर ईयर चाहिए ना, मैं सिर्फ क्या लेफ्ट चाहिए, इतने कैरेक्टर्स, अगर मेरे को सिर्फ लेफ्ट इतने कैरेक्टर्स चाहिए मैं लेफ्ट यूज करती हूँ उसमें, हाँ तो ये मैं लेफ्ट लेफ्ट है यूज जितने भी करती चाहिए, हूँ, यूज करती हूँ। ठीक है। हमारा लेन हो गया, मिड हो गया, मैक्स, बहुत सिंपल सा फंक्शन है, कुछ भी नंबर ले लो, ठीक है। इसमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यूज दिखा देगा हमें, अच्छा बस समझ और कुछ नहीं है। सेम थिंग मिनिमम के साथ है। इसमें से जो है, सॉरी, गया। मिनिमम वैल्यू दिखा देगा, ठीक है। कॉनकैटिनेट, मुझे गगन और गुप्ता, बस फुल नेम बाय द वे, यू गोना के राइट नाउ जस्ट के इज फाइन। ओके, मैं शर्मा लिख लेता कुछ भी, ठीक है। ठीक है अब मुझे इसको कॉनकैटिनेट करना है, कॉनकैटिनेट हाँ इसके साथ चाहिए, स्पेस दे दो बीच में, इसके साथ, ठीक है, वैट कर दो, सिंपल, ठीक है। अब हम करते हैं स्प्लिट, जैसा आपने कहा था। गगन, अच्छा एक साथ ही ले लेता हूँ, गगन गुप्ता, ठीक है।
अब मुझे ये दोनों अलग अलग चाहिए, ठीक है? एक तो फंक्शन था वही ऑल्ट बी टेक्स्ट टू कॉलम करने के लिए, ये आपने देखा होगा, इसके पे हम यस, कर देते हैं इसके। हमने टेक्स्ट टू कॉलम मैंने बड़ा यूज किया है, हाँ स्प्लिट कर दिया, डिलिमिटर में जाके स्पेस से स्प्लिट कर दो। हाँ ठीक है, इसका शॉर्टकट भी ऑल्ट डी ई है, लिखना चाहोगे लिख सकते हो ऑल्ट डी ई। एक सेकंड, ठीक है, ओके। तो अब मुझे स्प्लिट करना है, ठीक है? अब देखिए इसके अंदर जो है गगन के अंदर 5 वर्ड है, ठीक है? उसमें के अंदर 6 है। अगर मैं इसके अंदर लेफ्ट या राइट राइट लगाता हूँ तो काम नहीं करेगा, क्योंकि एक में तो काम कर जाएगा, दूसरे में कैसे करेगा? ठीक है, तो मैं वो लगा देता हूँ यहाँ पर, सनी दो लिख देता हूँ, माय फेवरेट हीरो, ठीक है? तो इसके तो इस मुझे चाहिए कि जितने भी बंदे हो, जितने भी नाम हो, छोटा हो बड़ा हो, वो सिर्फ स्पेस देख के अलग अलग कर दे, स्प्लिट कर दे दोनों को, ठीक है? अब इसके 4-5 फंक्शन लगाऊंगा और इस दोनों को मर्ज करूंगा। अब जो थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक? पहले मैं क्या करूंगा, इसमें से निकालूंगा फाइंड करके, फाइंड क्या मुझे चाहिए स्पेस, इसमें से 6 नंबर पे है, ठीक है? इसमें से मैंने स्पेस फाइंड करी है, गगन के बाद 6 नंबर पे आ रही है, 7 नंबर के बाद भी आ रही है, 7 और सनी देओल 6 नंबर पे। अब मुझे चाहिए कि सिर्फ इस साइड के चाहिए, लेफ्ट लेफ्ट साइड के चाहिए, तो इसके मैं निकाल सकता हूँ लेफ्ट, इसमें से मुझे चाहिए ये इतनी स्पेस के नंबर से, उसको से निकाल लेते। आ गया गगन, सनी, सकीना, ठीक है? अब मुझे जो है लास्ट के नेम निकाल ले, ठीक है? लास्ट के नेम के लिए मैं पहले लगाऊंगा लेन फंक्शन, स्केल टू लेन। लेन फंक्शन क्या करेगा, इनकी जो है पूरी की पूरी लेंथ निकाल देगा, ठीक है? अब देखो ये 11 क्या है, ये टोटल उसके हैं, सनी सगीना शर्मा, इसके अंदर 13 कैरेक्टर्स है, टोटल दिखा रही है लेन के, टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं। इसके बाद स्पेस कितने के बारे में, वो छठे साथ है, 6 नंबर पे। अगर मैं 11 में से 6 माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? पांच, पांच बचते हैं। गलती है, अगर 11 में से, हाँ 11 में से अगर 6 माइनस कर देता हूँ मैं तो ये लास्ट का नहीं पांच बचेगा, क्योंकि तो मैं पूरे गगन गुप्ता में से गगन निकाल दूंगा तो गुप्ता बचेगा, फैक्ट है। अब मैंने इसमें से क्या हाँ करा, इसमें से, हाँ ठीक है, इसमें से माइनस कर दिया, ठीक है? अच्छा, दिखा दिया इसलिए ये। अब मैं इसमें से राइट फंक्शन लगा देता हूँ, इसमें से जो है मुझे चाहिए इतने कैरेक्टर्स, आ गया गगन भी आ गया, गुप्ता भी आ गया, सगीना भी आ गया, शर्मा भी आ गया, लेकिन अभी इतने बहुत सारे फंक्शन लगा दिए, मुझे सब एक साथ ही करने हैं, ठीक है? अब ये देखो गगन जो है, इसको जो F2 दबाओगे आप, ठीक है, तो इसमें दिखाई देगा कि ये किस चीज से बना हुआ है फंक्शन, जैसे ये D2 है, D2 वो रेड को डिनोट कर रहा है यहाँ पे, करेक्ट? हाँ, मुझे पता है, ये दिखा देगा। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो है पूरा फंक्शन कॉपी कर लूंगा यहाँ से, यहाँ तक का, ठीक है? इसको कॉपी करके यहाँ पे जाऊंगा, F2 दबाऊंगा, D2 को यहाँ से हटा दूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा फंक्शन, ठीक है? और नीचे कर दिया मैंने ड्रैग। अब मैं इसको हटा भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस साइड पड़ेगा तो मैं इसको भी रहने देता हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कि गगन, जब मैं इसको कर रहा हूँ F2, तो वहां से लिंक हट गया उसका, क्योंकि तो मैंने फंक्शन लगा दिया, हटा दिया ना लिंक। अब इसके अंदर लिंक कहाँ से है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर लिंक क्या हुआ? इसके वापस जाओ, लिंक कौन से दिखा रहे थे? देखो इसके अंदर मैंने पहले लिंक लगाया था, वहां से मैंने हटा के यहाँ पे कर दिया। अब मैं इसके अंदर देख रहा हूँ इसका लिंक बना है सी के साथ, लगा रहने दो। इसके अंदर लिंक है 6 के साथ, डी पे जो है कॉलम पे, मुझे ये लिंक भी हटाना है, ठीक
और मुझे एफ टू वाला लिंक भी हटाना है, ठीक है, ये कि फिर क्या हटाते हैं, इसमें से मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है मैडम, और यहाँ पे जो है डी टिप की जगह मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फंक्शन वैसा का वैसा ही है, ठीक है। अब देखो इसके साथ सिक्स के साथ लिंक घट गया, लेकिन इलेवन के साथ दे दी, इलेवन से मैंने कॉपी किया इसका डेटा, ये फंक्शन यहाँ पे इसको भी पेस्ट मार दिया, इस बार मार दिया मैंने एफ टू की जगह पे, ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना आपको कंफ्यूजन रहेगी, ठीक है, करूंगी मैं ठीक है, प्रैक्टिस हाँ, क्योंकि जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो फिर वो आपको हमेशा याद रहेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मर्जिंग करते हाँ, कैसे हाँ, हैं, सिर्फ कुछ नहीं करना, हाँ, दूसरे फंक्शन से उठा के कॉपी पेस्ट करके जहाँ से लिंक हो रहा है उसमें डाल देना है, हाँ, ठीक है मैडम, हाँ जी सर। ओके। सो मतलब और क्या जैसे करने वाले थे हम, कॉन्जेनेट एक डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, वैसे स्प्लिट करके कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ देखिए हर चीज़ के लिए फंक्शन नहीं है हमारे पास, एक्सेल के पास हर चीज़ के लिए फंक्शन नहीं बना सकते, तो उसके लिए जो हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है ना फॉर्मूलाज हाँ क्रिएट कर लेते हैं, बाकी ठीक ये है जब हम बीबीए करेंगे तो हम देखेंगे कुछ कस्टमाइज फंक्शन भी बना सकते हैं, ठीक है ठीक है हाँ लेकिन वो बीबीए का पार्ट है, थोड़ा एडवांस हो जाएगा ज़्यादा, समझ रही हूँ। ठीक है। आज के लिए एक्सेल क्लास आई थिंक काफ़ी है, हाँ जी ठीक है, सर बिल्कुल, मैं आपको आप लोग अपना सारे दिन एंजॉय करो, मैं भी अपना सारे दिन एंजॉय कर सकती हूँ, क्या कह रहे हो मैं अपना सैटरडे एंजॉय करती हूँ, आप भी अपना सैटरडे एंजॉय करो। हाँ ओके और मैं आपको थोड़ा सा हेलो देव, जी हाँ यस मैं यस आपको आई एम थोड़ा स्टूडेंट मैं डैशबोर्ड दिखाता हूँ आपको, और आपको थोड़े से वीडियो के टॉपिक्स दिखाता हूँ कि हम क्या करेंगे आगे, ओके ओके सो यू वर्क फॉर डेक्स लैब्स और यू वर्क फॉर अनदर कंपनी एंड यू रिकॉर्ड। जस्ट हाँ ट्रेनिंग सॉरी हियर आई एम जस्ट ट्रेनर हियर, आई एम करंटली वर्किंग विद ईएक्सएल सर्विसेज एज अ रिपोर्टिंग एनालिस्ट गुड़गांव ई एक्सएल या नोएडा ई एक्सएल नोएडा ईएक्सएल। ओके ये 58 हाँ में है ना, जी 58 वाले में ना, अच्छा नहीं 144 144 वाले ई एक्सएल में। यहाँ पे ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड होता क्या है, हमारे पास बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ होता है एक शीट के अंदर, जी बिल्कुल हमें उस डेटा से डेटा उठाकर जो है कम से कम टाइम मतलब कम से कम स्पेस के अंदर एक इंटरेक्टिव फॉर्म के अंदर हमें दिखाना होता है कि हाँ भाई इस डेटा के अंदर ये है, क्योंकि हम डेटा को देखते अंदर सब कुछ नहीं समझ सकते हैं, जब हमें ग्राफ नजर आएंगे एक जी शीट के ऊपर, हमें पाइवट्स नजर आएंगे तो बहुत क्लियरली हमें समझ में आएगा कि क्या चल रहा है बिजनेस के अंदर, ठीक है, जी बिल्कुल बस इतना ही है, हमारे डेटा यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पाइवट लगा रखे हैं अलग 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 अलग, इन सब के चार्ट मैं मैंने यहाँ वही पे कह लगा रही थी, दिए, मैंने भी अपने डैशबोर्ड बना के रखे हैं, ये ऐसे ही सामने एक पेज पे आ जाता है सारा, सिर्फ रॉ डेटा डालो सारा हाँ डेटा वहीं का वहीं। तो बस ऐसी सैंपल के लिए तौर पर थोड़ा सा दिखा रहा हूँ कि हाँ यहाँ मैं पे देखती हूँ लगा दिए, और यहाँ पे थोड़े से स्लाइसर है, स्लाइसर लगा दिए, स्लाइसर का पता है? यस ओके वैसे इसके अंदर जो है हम जब आगे करेंगे तो काफी एडवांस टॉपिक्स भी आपको मैं बताऊंगा, जैसे कि ठीक है, पावर व्यू स्लाइसर भी होता मैंने अभी है, पीछे पावर सीखा पाइवट होता है, है, पिछले 6 महीने पावर व्यू, में पावर सीखा है वन, मैंने। ओके 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 हम इसके अंदर करेंगे पावर व्यू करेंगे, पावर पाइवट करेंगे, ठीक है,
इसको आप लाइव टाइमलाइन एडवांस टॉपिक से थोड़े एक्सेल 13 के तो ये मैं क्लियर कराऊंगा ठीक है। एक बार स्लाइसर पे दिखा देना क्योंकि मैंने ना अपने तरीके से खुद से मतलब एक्सपेरिमेंट करके सीखा है समझ रहे हो। अच्छा हाँ जी समझ रहा हूँ मैडम। मतलब बिलीव मी इन माय ऑफिस आई नो टुडे व्हाट एक्सेल इज आई नो दे डू नॉट हैव रिसोर्सेज एंड आई नो एट व्हाट लेवल दे नीड ओके सो द रीजन आई एम टेकिंग अप दिस डेमो क्लास टू अंडरस्टैंड कि डेक्स लैब्स क्या पढ़ाता है और मैं आगे ट्रेनिंग के लिए लोगों को भेज सकूं ठीक है। ओके सो दैट इज माय पर्पस राइट नाउ टू टेक अप दीस डेमो क्लासेस विद डेक्स लैब। गिव मी सेकंड Hey, hi Sakina, am I audible? Yes, Sakina, hi. This is Vivek over here. Hi Vivek, how are you doing? I'm doing great, how about you? I'm doing wonderful, thanks for asking. Lovely. How has the sessions been so far? I mean, whatever has been done in the last 1.5-2 hours, how has it been so far? So far, so good. So far, so good. So I hope some value addition has happened so far. Yes, yes. Lovely, lovely. And I hope you're comfortable with the flow and the way things are happening and shaping up in the conversation in the classes. Yes. Great. Gagan himself is quite a rock star into Excel. You'd be surprised. He is somebody also able to create, you know, applications on Excel. He's that good. So, wonderful, lovely. Yep. So anyways, I think Gagan will take things ahead. Sorry Gagan, I interrupted in between. Should you need anything, Sakina, please feel free to reach out to us. Definitely, Vivek. I'll definitely do so. Okay, over to you Gagan. Thank you, Vivek. Bye-bye. Okay, ab slicer ke bare mein puch lete hain na madam? Ha, ha. भले वो कल कवर कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है स्लाइसर कल कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा वीडियो दिखा देता हूँ। हाँ जी हाँ आपने रिकॉर्डिंग करी है मैं अपने उसकी यस आई हैव और उसमें मैंने बीबी स्क्रिप्ट भी देखा है और मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कोई नहीं समझाने के लिए आप बैठे मैडम ठीक है क्योंकि मेरे को स्क्रिप्टिंग मेरा कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है तो इसलिए मेरे को स्क्रिप्टिंग नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं है मुझे भी नहीं आती थी। अच्छा तो एक जैसे सपोज ये एक हमारे पर डेटा पड़ा हुआ है इसका मुझे कलर चेंज करना है तो यहाँ पे मुझे बस जो है क्लिक करा अप्लाई कलर ओके यहाँ से मुझे पहले इनेबल करने पड़ेंगे ना कोर्स ये ग्रीन अप्लाई कलर ब्लू ओके अभी जो आप देख रहे हो कि मुझे यहाँ पे जो है चेंज करना पड़ रहा है अप्लाई कलर पे क्लिक करना पड़ रहा है मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ जब मैं चेंज करूँ अपने आप ही हो जाए तो अच्छा यहाँ पे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है बस यहाँ पे मुझे क्लिक ही करना है वो फिर मैं अपनी चाहूँगा से चेंज हो जाएगा ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा आपको दिखाना था कि वीबीए किस तरह से काम करता है बाकी इसका जो कोडिंग पार्ट है वो तो बहुत एडवांस टॉपिक है थोड़ा सा लेटर पार्ट है जब एक्सेल हमारा खत्म हो जाएगा डैशबोर्डिंग हो जाएगी उसके बाद हम वीबीए का भी स्टार्ट करेंगे ठीक है। हाँ मैंने मैकोस ऐसे पता है मैंने कुछ एक्शंस रिकॉर्ड किए थे मैं आई वाज डूइंग सम टास्क रिपीटेडली इन माय प्रीवियस प्रोजेक्ट तो उसको मैंने फिर फाइनली एक साल के बाद रियलाइज किया चलो इसको रिकॉर्ड कर लेते फिर मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया और उसको मैंने शॉर्टकट की दे दिया
ठीक है. अच्छा तो व्हाट आई वाज डूइंग इज बेसिकली द वे दैट शी वाज वर्किंग इज कि मेरे को एक डेट डालनी पड़ रही थी हर दिन, ठीक है, आज की करंट डेट. तो उसको भी मैंने मतलब एक शॉर्टकट की डाला था कि वो डेट आ जाए उसमें खुद से, और फिर जो जितना कॉपी पेस्टिंग है वो सारा डेटा कॉपी पेस्ट भी कर लेता है, नई शीट भी क्रिएट कर लेता है, ये सब. पर मैंने जब उसने जाके वीजी स्क्रिप्ट देखी, मेरे को फ्रेंकली ऑनेस्टली कुछ नहीं समझना है. हाँ एक्चुअली क्या है, जैसे हम रिकॉर्डिंग करते हैं ना तो सिस्टम रिकॉर्डिंग अपने आप करता है, कोडिंग अपने आप करता है, ठीक है. और वो डायनेमिक नहीं होता डेटा, हम जितना एक्शन उसको दिखा सकते हैं उतना ही वो करेगा, एक्शन में लेकर आएगा. लेकिन हम जब करते हैं ना वीडियो स्क्रिप्टिंग जब पढ़ते हैं तो हम उसको डायनेमिक बना सकते हैं, जिस तरीके से हम रिजल्ट चाहते हैं लॉजिक्स लगाते हैं उसके अंदर, कंडीशन लगाते हैं, तो जैसा हम चाहते हैं वैसे निकल कर आ जाता है. और जब आपको कराऊंगा तो उसके अंदर मैं आपको फॉर्म्स वगैरह भी बनाना सिखाऊंगा कि एप्लीकेशन कैसे डेवलप होती है. मैंने रिसेंटली अपनी कंपनी में एप्लीकेशन डेवलप करी है, तो उसको भी करेंगे हम, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा. ठीक है सर, ठीक है, ओके, ऑल राइट. आज के लिए काफी है, कल कंटिन्यू करें. जी बिल्कुल, ओके मैडम, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.